YouTube हैंडल को लेकर YouTube का एक बहुत ही मज़ेदार अपडेट आया है बात करेंगे आज की वीडियो में और आपको दिखाएंगे भी कि कैसे इसको इस्तेमाल करते हैं अब जिन लोगों को YouTube हैंडल के बारे में नहीं पता तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ जिस तरह से Instagram या Twitter पर एक यूनिक यूज़र नेम होता है हर यूज़र के लिए ठीक उसी तरह से यूट्यूब पर हैंडल होता है और वो हर चैनल के लिए यूनिक होता है मतलब किसी भी दो चैनल का सेम हैंडल नहीं हो सकता है तो अब देखते हैं कि यूट्यूब में हैंडल को लेकर नया क्या है और उसके लिए चलना पड़ेगा आपको मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर तो यहाँ आ चुके हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और यहाँ पर YouTube की तरफ से मुझे ये मेल आया है और यहाँ लिखा हुआ है सब्जेक्ट में कि YouTube हैंडल्स अवेलेबल इन एडिशनल लैंग्वेज मतलब अभी तक जो हम अपना हैंडल रखते थे वो सिर्फ इंग्लिश में ही रख सकते थे और उसमें कुछ एक जो नंबर्स हैं वो हम लोग ऐड कर सकते थे लेकिन यहाँ पर लिख रहा है कि आप एडिशनल लैंग्वेज में भी हम अपना यूट्यूब हैंडल रख सकते हैं और मेल में नीचे लिखा हुआ है कि वी आर एक्स पैंडिंग लैंग्वेज सपोर्ट फॉर यूट्यूब हैंडल्स अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सा लैंग्वेज जो है वो सपोर्ट करता है तो यहाँ जब हम लोग यूट्यूब हैंडल्स में जाएंगे तो यहाँ पर यूट्यूब हैंडल्स में हमें सिर्फ हैंडल के बारे में जो नॉर्मल इन्फॉमेशन है वो दिखेगी और यहाँ पर हमें दिखेगा सपोर्टेड लैंग्वेजेज़ यहाँ पर लिख रहा है सेवेंटी फाइव सपोर्टेड लैंग्वेजेज़ तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से लैंग्वेजेज़ हैं तो यहाँ पर जब हम लोग सपोर्टेड लैंग्वेज में जाएँगे तो यहाँ पर हमें एक बहुत ही लंबी लिस्ट मिलती है लैंग्वेज की और यहाँ पर अगर हम लोग नीचे आते हैं तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि हिंदी भी है हमारा एक ऑप्शन जो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसके अलावा और भी बहुत सारे इंडियन लैंग्वेजेस हैं तो जैसे यहाँ पर आप गुजराती देख सकते हैं और यहाँ पर ऊपर में अगर आप आएँ तो यहाँ पर मलयालम है मराठी है उड़िया है और उसी तरह से यहाँ पर पंजाबी है और यहाँ पर आप देख सकते हैं तमिल तेलुगु और यहाँ पर उर्दू है तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे लैंग्वेजेस को इस्तेमाल कर सकते हैं तो अब देखते हैं कि सही में ये चीज़ हो पा भी रहा है या फिर नहीं तो जैसे मैं अगर गूगल पर जाकर अपना नाम ही जिशान अख्तर जो है वो उर्दू में और हिंदी में अगर मैं यहाँ पर सर्च करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ आ गया है तो इसे मैं पहले कॉपी करता हूँ और क्योंकि यहाँ पर मेरे पास हिंदी या उर्दू कीबोर्ड नहीं है तो मैं यहीं से गूगल से ही कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से मैंने कॉपी किया और यहाँ जाएँगे हम अपने वाई स्टूडियो में वाई टी स्टूडियो की ये कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में आकर हम लोग यहाँ बेसिक इन्फो में जाएंगे और यहाँ पर बेसिक इन्फो में हमें ऑप्शन मिलता है हैंडल चेंज करने का अब यहाँ पर अगर हम पूरा अपना नया जो हैंडल मैंने कॉपी किया है हिंदी वाला वो मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँ तो यहाँ पर आपको यहाँ पर अनसपोर्टेड कैरेक्टर्स दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पर बीच में स्पेस है क्योंकि हम लोग यहाँ पर स्पेस नहीं दे सकते हैं यहाँ पर हम लोग या तो डॉट दे सकते हैं या फिर हाइफन दे सकते हैं तो यहाँ पर मैं स्पेस हटा देता हूँ और एक डैश दे देता हूँ तो अब हम यहाँ पर देखें कि ये हैंडल जो है वो एक वैलिड हैंडल है और यहाँ पर लिख रहा है हैंडल अवेलेबल मतलब कि ये जो हिंदी वाला हैंडल है ये हम लोग यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर अब यहाँ पर हिंदी वाला तो हमने टेस्ट कर लिया अब हम उर्दू वाले को भी टेस्ट कर लेते हैं तो जैसे अगर मैं इसे यहाँ से कॉपी कर लूँ तो यहाँ से मैंने इसे कॉपी किया है और यहाँ पर हम जाएंगे और इसे फिर से हटा देंगे और यहाँ पर मैं उर्दू वाला पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पर फिर से मुझे बीच से जो स्पेस है वो हटाना पड़ेगा और यहाँ पर हम हाइफन डाल देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये वाला जो उर्दू वाला जो हैंडल है वो भी यहाँ पर दिखा रहा है कि हैंडल अवेलेबल है मतलब कि ये वाला हैंडल भी मैं यूज़ कर सकता हूँ अब वैसे यहाँ पर मैंने सिर्फ अपना हैंडल चेक करके दिखाया है आपको हिंदी और उर्दू में कि ये हैंडल्स अवेलेबल हैं और इसे हम यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पर मैंने एक्चुअली में अपना हैंडल अपडेट नहीं किया है वो सिर्फ़ इसलिए नहीं किया है क्योंकि 14 डेज मतलब 14 दिनों के अंदर में आप लोग सिर्फ दो बार ही अपना हैंडल चेंज कर सकते हैं तो यहाँ पर अगर मैं हिंदी और उर्दू में चेंज कर लेता मतलब कि दो बार चेंज हो जाता तो फिर चौदह दिनों तक मैं अपना हैंडल जो है वो वापस नहीं ले पाता तो अख्तर रिव्यूज़ हैंडल जो है वो इस बीच में कोई और भी ले सकता था तो इसलिए मैंने अपना हैंडल वहाँ पर एक्चुअली में चेंज नहीं किया है, वहाँ पर मैंने सिर्फ चेक करके आपको दिखाया कि वो हैंडल्स अवेलेबल हैं और इस तरह से हम लोग हैंडल को यूज़ भी कर सकते हैं हिंदी और उर्दू में और बाकी सारे इंडियन लैंग्वेजेस में भी अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि ये शायद अभी सभी चैनल्स के लिए नहीं आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने अपने एक चैनल पर टेस्ट किया और जहाँ पर मुझे ये मेल आया था तो उस चैनल पर यह हो रहा है लेकिन बाकी और जो चैनल्स हैं मेरे वहाँ पर मैंने ये चीज़ टेस्ट किया तो वहाँ पर ये फीचर अभी तक नहीं आया है तो वहाँ पर हिंदी या उर्दू में पेस्ट करने पर यूज़र ने वहाँ पर अनसपोर्टेड दिखा रहा है लिख रहा है कि ये वैलिड नहीं है तो ये हो सकता है कि अगर आप ये हिंदी वाला ट्राई करें या उर्दू वाला ट्राई करें तो हो सकता है आपको अभी ये वैलिड ना दिखाए तो आपको कुछ दिन वेट करना होगा और जैसे ही आपको मेल आता है इस चीज़ का उसके बाद आप लोग तो ट्राई कर सकते हैं और आपका हिंदी में या उर्दू में या बाकी जो भी लैंग्वेजेस वहाँ पर सपोर्टेड है उनमें आपका यूज़र नेम जो है जो हैंडल है वो चेंज हो सकेगा तो आज की वीडियो में बस इतना ही तब तक आप एंड स्क्रीन वाली वीडियो देखिए